देश भर में घटते कोविड 19 मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। नई दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य समेत नागपुर में भी स्कूल खोलने से विद्यार्थी, टीचर और पालकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी दौरान NBCN की टीम ने नागपुर के शांतिनगर स्थित ग्रेट ब्रिटेन स्कूल में भेंट दी। मैसेल्फ विजयश्री ठोमरे फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन स्कूल एंड मेरी दो शाला है, लेश्वर माध्यमिक शाला एंड ग्रेट ब्रिटेन स्कूल शांतिनगर में। और ये जो निर्णय बहुत ही अच्छा हुआ, पालक भी खुश है एंड स्टूडेंट्स भी खुश है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि दो साल से जो बच्चों की इम्प्रूवमेंट थी, बेसिक स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। हम लोग ऑनलाइन जा रहे थे लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, बच्चों की राइटिंग स्किल कम हो गई थी, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। एक ऑनलाइन से हम लोग ऑफलाइन आ गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्लैक बोर्ड में जो हम लोग डिफ़िकल्टीज बच्चों को जो डायग्राम्स बताते हैं, जो राइटिंग स्किल्स बताते हैं, वो हम लोग ऑनलाइन में नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ही अच्छा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। पालक समिति की इसके पूर्व मीटिंग ली थी, सभी पालकों को बताया गया था। साथ में हम जो शाला है, इस साल भले ही कोविड ख़त्म हुआ है लेकिन सभी शालाएँ ने अपने अपने जो सुविधा है वो की है। जैसे मैंने कहा है कि हम लोग ग्रुप में टिफ़िन खाने नहीं देते हैं बच्चों को, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, और साथ में जो बच्चों को खांसी बुखार है वो स्कूल में न आए, और साथ में जो जो कोविड के नॉर्म्स है वो सभी शालाएँ फॉलो कर रही है। हाँ, पिछले दो साल से एडमिशन्स काफ़ी कम थी, काफ़ी बच्चे शाले बाह्य हो गए थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, किसी के पास मोबाइल नहीं था और काफ़ी सारी दिक्कतें थे। लेकिन इस साल जैसे दो साल पहले 2019 में जब कोविड था, वैसी ही स्ट्रेंथ अभी बैक रिटर्न आ गई है, जो बच्चे शाले बाह्य थे वो आ गए हैं फिर से पढ़ने के लिए और काफ़ी अच्छा एक गुड एटमोसफियर है। एडमिशन की तो हम जैसे ही जो भी है नॉर्म्स, तो हम लोग तो यही बताएंगे कि इस साल हमने पूरे पालक को सहकार्य किया है, किसी कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको भी सहकार्य कर रहे हैं मेरी शाला। उनको इंस्टॉलमेंट वाइज बताया गया है कि भाई ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इंस्टॉलमेंट वाइज फीस भर सकते हैं। उनकी तरफ से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सहकार्य करने की। इस तरह से हमारे शाला ने ये नियोजन किया है। काफ़ी पेरेंट्स की जॉब गई थी इस काल में, तो हमने उनको फोर्स नहीं कर रहे फीस के लिए। और साथ में पालक और मेरे जो शिक्षक है और साथ में मैं मीटिंग में लेकर उनका प्रॉब्लम सुनती हो, अगर जो पेरेंट्स फाइनेंशियल क्राइटेरिया में आ गए हैं तो हम उनको इंस्टॉलमेंट वाइज और पूरा मेरी शाला सहकार्य कर रहे हैं।